उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का दावा करने वाली योगी सरकार के राज्य में अपराधियों के हौसले पस्त होने की बजाय बुलंद ही होते जा रहे हैं। इसकी ताज़ा बानगी कानपुर ज़िले में देखने को मिली है, जहां अज्ञात बदमाशों ने गोलियों से ताबड़तोड़ वार कर पत्रकार नवीन की हत्या कर डाली और मौके से भाग निकले। वहीं पुलिस अभी तक आरोपियों को पकड़ने का दावा ही कर रही है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को बिल्हौर कस्बे में जब पत्रकार नवीन घर से किसी काम के लिए निकले थे, तभी बाइक सवार बदमाश वहां पहुंचे और उन्होंने पत्रकार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और मौके से भाग निकले। गोलियों की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और नवीन को अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अभी इस हत्या के कारणों के बारे में जानकारी नहीं मिली है, लेकिन पहली नज़र में उन्हें यह कोई पुरानी दुश्मनी का मामला लगता है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान जारी है, जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। वहीं स्थानीय पत्रकारों और पत्रकार संगठनों ने इस हत्याकांड के बाद एक बैठक बुलाई और पत्रकार की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा की। कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अवनीश दीक्षित ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि पत्रकार के हत्यारों को अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार नहीं किया गया तो पत्रकार आंदोलन करेंगे। उन्होंने पत्रकार के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की भी मांग की। आपको बता दें कि देश भर में पत्रकारों की हत्या के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कभी कर्नाटक, कभी बिहार तो कभी उत्तर प्रदेश, सरकार केवल आश्वासन देकर आंदोलनों की आवाज़ को दबा देती है, लेकिन अपराधियों तक नहीं पहुंच पाती। इस बार भी यूपी सरकार ने आरोपियों को पकड़ने का दावा किया है, लेकिन देखना होगा कि योगी की पुलिस कब तक पत्रकारों के हत्यारों को सलाखों के पीछे डालती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।